हैलो, सत श्री अकाल जी। क्लेयर फैमिली ब्लॉग विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। ये क्लिप जिहड़े ये वीडियो अगे तुसी देखोगे ये दशहरे वाले दिन दा ही हैगा, क्योंकि उस दिन फिर मैं एक वीडियो एंड करके दूसरा शुरू कर लिया सी, क्योंकि मैनू कुछ खुद नूं नहीं पता सी वीडियो दा कित्थों एंड होया कित्थों वीडियो जिहड़ा स्टार्ट होया, क्योंकि काम कार जदों काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं तो यह नहीं पता लगता, क्योंकि थोड़े नाल मेरी कोई गलबात नहीं होंदी ते फोन भी ज़्यादा चैक नहीं होंदा, बस वीडियो दे वीडियो बने जाते होंगे ने, है ना। तो करके कुछ नहीं पता लगता भी कितों वीडियो का एंड होंदा ते कितों जिहड़ी स्टार्टिंग हो गई वीडियो, है ना, कुछ पता नहीं लगता है। सो चलो जी, ब्लॉग नूं अज दे नूं आपां कंटिन्यू कर देंगे। तो उस दिन दा ही है दशहरे वाले दिन दा ही आपां मेदे वास गए सी रोटी खवाउण, उस तो बाद आके फिर मैं रेडी होण लग गई सीगी। तो कल वाले ब्लॉग दे विच दस्सिया सी आपां कित्थे जा रहे हैं जी। अज मैं जा रही हूँ जी सुनाम, तो वह भी थानू दस दें अगे दिखाने उसनों लैके चलते हैं कितने जा रही हैगी मैं, तो जिन्ना क वीडियो होया सूट उन्ना की बनाया सीगा। तो बाकी चलो जी आप पहुँच के थोड़ा मिलते हैं, पहला थोड़े ना गलबात कर दें दस दें। तो हेलो सत श्री अकाल जी, क्लेयर फैमिली ब्लॉग में थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है जी। होर सुनाओ जी, की हाल चाल ने। आई होप तुम सारे जने ठीक होवोंगे, खुश होवोंगे, खुशहाल होवोंगे, तो अपने अपने घर तंदुरुस्त होवोंगे। वाहेगुरू जी हमेशा तुहानू तंदुरुस्त ते चढ़दी कला विच रखण। तो हैप्पी दशहरा सारिआं नूं, दशहरे दीआं बहुत बहुत मुबारकां। परमात्मा सब दे घरां विच तंदुरुस्तीआं तरक्कियां बख्शण, सब दे बच्चे खुश खुशहाल रहण, सदा हसदे वसदे रहण, जिउंदे वसदे रहण। सारी मेरी यूट्यूब फैमिली जिउंदे वसदे रहो, हसदे वसदे रहो जी। तो दशहरा आपां मना लिया जी, तुहानूं दिखाई है वी किस तरह मनाया, पर ब्लॉग का कुछ नहीं पता, एंड होया शुरू होया कुछ पता नहीं जी, क्योंकि टाइम नहीं हुंदा जी, कल्ले जने लाइफ है जिहड़ी तुहानूं पता ही कि बिजी हुंदी हैगी। तो हुण भी काम धंधे जल्दी जल्दी खत्म किए ने, 10 बज गए ने। पहला आप रोटी खवा के आए हैं मेरे वास गुरु घर, उस तो बाद आके फिर मैं फटाफट होर पूरियां बनाईया, सारे नूं खाना खवाया। खाना खवा के तुहानूं पता ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं, है ना, तो बर्तन साफ किए तो बस फटाफट रेडी हो जाएंगी। हुण मैं जा रही सी निशांत दी मम्मी नाल, उन्हें ना कैराटीन वगैरह करवानी है जी, उहदी ननद दा विआह, निशांत दी जिहड़ी कि भूआ जी दा विआह गा, तो करके उहदे नाल फिर जाण वाली है नहीं कोई, मैं ही जाऊँगी। चलो जी हुण मैं थोड़ी देर बाद मिलदी हां, जां फिर घर आके ही मिलूंगी, ठीक है जी। लो जी आपां पहुँच चुके हैं सुनाम जेंगो सैलून अकैडमी दे विच। इत्थे अपनी कमल सीगी लगी हुई, मेरी ननद दी बेटी, इत्थे उन्हें सीखा गा कम, तो उत्थे आपां पहुँच गए। आना कमल नहीं सी, उन्हूं कम हो गया, फिर मैनू आना पै गया निशान दी मम्मी नाल। उन्हें बाल करवाने सी शायद, उन्हें पहला स्मूथनिंग का सोचा हुआ सी, फिर उन्हें पता नहीं एक स्मूथनिंग तो उपर की हुंदा, एक तां पता नहीं कि प्लास्टिक मैनू नाम नहीं याद हुंदा, उहदे तो नीचे हुंदा पता नहीं कि वह करवाया। चलो जो भी उन्हें बाल अपने करवाए ने, ठीक है जी। तो इतने निशान मैनू वीडियो नहीं बना दे रहा सी, कहिंदा मैं वीडियो बनाऊँ मैं वीडियो बनाऊँ, इस तरह करके रौला पा रहा सीगा। तो देखो जी दिखाने तुहानू आपां इत्थे पहुंचेंगे जेंगो सैलून अकैडमी, ठीक है जी। जे तुसी नेड़े तेड़े दो सुनाम दो तो इत्थे जरूर जाके तुसी देखो, बहुत वधिया काम करदे नेगे। मैं तो इत्थे तक सुनिया भी होर मतलब जिहड़े हैगे ने इत्थे सैलून वगैरह मेकअप थोड़ा हो जांदा कहिंदे इधरों उधर, पर इन्हां दा मेकअप कहिंदे बहुत वधिया करदे ने, मतलब जो भी काम करदे ने वधिया करदे ने। मैं इसलिए नहीं कह रही भी कमल लगी हुई सी, कमल ने ही मैनूं दस्सिया गा, कहिंदे भी होरां नालों इह बहुत ठीक ने, भी मतलब इन्हां दा मेकअप वगैरह बहुत वधिया गा, है ना। तो इत्थे अज दो ब्राइडल भी तैयार होईआं सीगीआं, है ना, दो ब्राइडल मेकअप सीगा जिन्हां दा इत्थे, है ना। बाकी तो बहुत ज़्यादा चलदा ही है जिहड़े सुनाम दे नेड़े ते मतलब नेड़े तेड़े दे वी हो जां सुनाम दे, है ना, तुहानूं पता ही होगा इन्हां बारे जेंगो सैलून बारे। तो जिहड़े मैम सी उन्हां दा सुभाअ भी बहुत वधिया सीगा, दीदी दा बहुत ज़्यादा वधिया सुभाअ सीगा, मतलब गल करन दा तरीका बहुत वधिया सीगी, मतलब बिल्कुल ऐ नहीं लग रहा सीगा मैनूं गल करके, मैनूं बहुत वधिया फील होया इन्हां नाल गल करके, है ना, वधिया लगे। तो बस इत्थे मैं निशान नूं लई बैठी सी, पहलां तां इह सी वी निशान अपने पापा नाल चला जाऊ, पर मैं तुहानूं थोड़ा जिहा दिखा रही हां इत्थे, उस तो बाद असीं उपर आ गए सीगे इत्थे। आ तां मैं की गई इत्थे, देखो निशान दी मम्मी दे हो रहे ने बाल, उपर लै के आए तो इत्थे शायद ला रहे सीगे, हो पता नहीं कि बालों का खिच खिच के बुरा हाल हो जाता, है ना, काफ़ी बार वॉश, दो तीन बार वॉश होंगे ने, है ना।
ਅਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ, ਪਰ ਹੈ ਫੋਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸਨੀ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਕੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਾਤ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 8 ਵੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 8:30 ਘਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੋਨ ਤਾਂ 4 ਵਜੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ, ਕਦੋਂ ਕਹਾ ਗਏ, ਤੁਰ ਪਏ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਂਗੋ ਸੈਲੂਨ ਅਕੈਡਮੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਝਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੈਂ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਘਰੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਥੱਕਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ, ਜਦੋਂ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੇਟ ਆਊਂਗੀ ਘਰ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਟਾ ਵੀ ਗੁੰਨ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਸ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਖਵਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਣਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਯਾਰ। ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਵਿਹਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ, ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਸਣ ਪਾਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਸਣ 2 ਜਾਂ 3 ਕਿਲੋ ਲਸਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜੂ, ਸ਼ਾਇਦ 3 ਕਿਲੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੈ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਮ, ਹਜੇ ਇੰਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਝੂੜੂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੀ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੋਂ 6:30 ਹੋ ਗਏ, 6:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੋਊ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸਤਾ ਜਾਣੀ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ ਬੈਂਕ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ। ਸਨੀ ਨੇ ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੀਗੀ ਛੁੱਟੀ, ਹਾਂਜੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਸੰਡੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਸਨੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਤੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਆ ਗਿਆ ਵੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਉੱਠਿਆ ਗਾ ਸਰਪੰਚ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਚਾਹ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣ ਗਏ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸਤਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਚੌਲ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀਗੀ ਨਮਕੀਨ ਆਪਾਂ ਚਾਵਲ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਝਾੜੂ ਕੱਢਿਆ, ਬਰਤਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗੀ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਸ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਬਰਤਨ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਂਜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਸੂਟ ਆਪਣਾ ਸਟਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਾਈ ਆ ਕਲਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਕਿ ਪੇਂਟ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਆਰੀ ਵਰਕ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਬਰਤਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਸਟਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬੁੱਕ ਸੀਗੇ ਸੂਟ ਸੋਲਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਈ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਢਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੋਲਡ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਸੂਟਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਆਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਲਰ ਹੋਰ ਆ, ਸਕਾਈ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਰੱਖ ਕੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਬਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਣੇ ਮੱਥਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ
दो तीन टाइम के बर्तन मैं इकट्ठे किए ने, बिस्तर सिंक के पे ने। अज पहली बार मैं अपने आप में भी वो हो रहा, शर्म आ रही थी भी मेरे बर्तन अज मैं कदे भी इदा रखे नहीं है, क्योंकि मैं थोड़े थोड़े नाल दी नाल बर्तन साफ कर दिया। मैंने सिंक के जोड़े बर्तन पे ना इन्ने गंदे लगते होंगे ने, एक अजीब जी स्मैल आ जाती जो काफ़ी टाइम बर्तन पै रहे, पर यह है भी मैं पानी धो के साफ करके रखते से पर साबण नहीं लाई सी, इन्ना क जरूर किया कि ज़्यादा स्मैल ना आए, है ना, इन्ना क जरूर करता सी क्योंकि खड़िया नहीं गया जी मेरे तो। बस मैं ये हो रहा है मैं पै जा थोड़ी देर तक मैं ब्लॉग है जो स्टार्ट होया हो हजे कंटिन्यू नहीं होया, एंड की करूँगी तो हालत बहुत ज़्यादा खराब हुई भी है। सवेर के तुम कहो खाने वाले बर्तन ने एक बार इस तरह ही रखे हुए हैं साफ करके, दोपहर के खाने वाले सवेर के खाने वाले इसी तरह पैने, हूँ थोड़ा जहा उठ गए सिर के दोपहर टाइम 3 बजे पानी पाया सिर च थोड़ा जहा, अपना हेयर वॉश किया थोड़ा जहा ठीक लगे, तेल तूल लाया देख सकते हो तुम तेल लगे हुए तो ठीक कर, जिमें कि हम पता ही है सू बर्त आए ने नेड़े, है ना, बिल्कुल नेड़े ही लग गए ने, तो अपना एक सूट कढ़ के अच्छे स्टिच करने दिता गया, तो जोड़ा पेंट सगा मैं लैके आई सी अपने सूटा के, मैं जोड़े बेचने सेल करने लैके आई सूना एक सूट जो स्टिच करवा देता, तो बाकी थोड़े जे अलमारी कपड़े जोड़े मेरे बाहर पे थे 2-4 सूट, जिमें इधर उधर जाना पैंता, जिमें कल भी गई सी तो कल सुबह भी चेंज किया एक सूट मैं, फिर उस तो बाद सुनाम गई फिर चेंज किया, है ना, इस तरह करके काफ़ी 3-4 सूट मेरे बाहर पे थे वो तय करके अलमारी च रखे ने। तो हूँ थोड़ा बर्तन दिखाने शिंक के ढेर लगे हुए, दोनों शिंक पूरे फुल होए पे ने, हजे सब्जी बनानी है, वीडियो एडिट करके वीडियो पाया, तो वीडियो का टाइम ना मैं चेंज कर लगी हैगी हूँ क्योंकि मैं शाम के टाइम बहुत ज़्यादा औखा हो जाता, देखते हैं हूँ कितना टाइम होगा। फिलहाल मेरा जो ब्लॉग आ हूँ 7 बजे तक आया करो 2-4 दिन, उस तो बाद एक टाइमिंग रखूँगी मैं थोड़े ना, मैं पहला थोड़ा दस दूँगी भी की टाइमिंग होगी, ठीक है जी, 2-4 दिन पहला दसना शुरू करूँगी तो फिर मैं ब्लॉग जोड़ा अपना टाइम चेंज करके थोन दस दूँगी कि टाइम पर। चलो जी आप हम चलते हैं बाहर चल के दिखाने उस किचन के काफ़ी सारे जो बर्तन ने वो कट्ठे होए पे ने, हूँ वो साफ करने ने फिर सब्जी बनाऊँगी। लो जी इतने मशीन ठीक करने वाला भाई भी आ रहा है अज, क्योंकि वो रबड़ पैन वाली सी पानी नहीं खड़ता सी, इन्ना की काम से वह भी करवा रहे थे, तो बर्तन देखो काफ़ी नीचे तक ने, यह नहीं है भी उपर उपर ने, देख ही सकते हो परात चकला बेलना सवेर वाले ही ने जी, सवेर वाले नाश्ते वाले दोपहर वाले दोपहरे बनाए थे मैं चावल नमकीन, वो बर्तन सके इन्ने मतलब मैं कदे भी रखे नहीं है बर्तन, है ना, किचन के बिल्कुल भी इदा शिंक नहीं मेरा कदे भी, तुम देखा होगा भी इन्ने टाइम के मेरे जोड़े बर्तन रह गए होना, है ना, ये पहली बारी देख रहे हो तुम। चलो जी कई बार होंगे ही है ना, नहीं शरीर साथ दिता तो फिर वह काम छड़ भी देना चाहिए, शरीर में तोड़ के जो काम किया सो किया, है ना, क्योंकि कपैसिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है मेरी, पता नहीं क्यों, मैं देखती हूँ दवाई लै रही हैगी, वैसे ध्यान रख रही हैं दवाई भी लै रही हैं, कोई ये भी नहीं भी मैं दवाई नहीं लै रही, टेस्ट वगैरह भी करवाए ने सब नॉर्मल आए ने, पर पता नहीं क्यों इन्नी थकावट, पता नहीं भी थोड़ा नींद करके भी हों भी नींद नहीं पूरी होंगी रात को भी, मैंने 11 से 12 बज जाते हैं सुबह, फिर मैं 4:30 बजे उठती हूँ डेली हूँ, है ना, तो दिन के भी नहीं पै हों, ये कारण भी हो सकता, है ना, यही कारण हो सकता मेरे ख्याल दे विच भी नींद ना होने दे पूरी होने दे कारण, है ना, मैं वीकनेस विच जा रही हैगी, ये भी सब तो बड़ा एक कारण है भी अपनी नींद ना पूरी होवे, है ना, तो आप डिक डुल्ले जी खाते फिरते रहने, है ना, उही कुछ शायद हो रहा मेरे नाल। चलो जी काफ़ी बर्तन ने साफ करके फिर खाना भी बनाना गा, है ना, तो इधर बाहर मशीन ठीक हो जूगी, काफ़ी कपड़े भी पे ने मेरे, है ना, दशहरे वाले भी दिन भी नहीं धोते, तो कल अज वाला दिन जो एतवार एच भी नहीं कपड़े धोते हैं, कल सोमवार मशीन लगेगी तो कपड़िया का कम जोड़ा फिर थोनू सवेरे दसागे भी किन्ने धोते ने किन्ने ना, है ना, ठीक है जी। लो जी ना एक भैन बेंत कौर पुछते कि कहने थोड़े किचन के वॉलपेपर रोल किन्ने लगे हुए हैं, साढ़े किचन के भैने वॉलपेपर रोल 5 लगे हुए हैं, गे जिन्ना क देखो थोड़ा किचन का जिन्ना क एरिया, है ना, जिन्नी क मतलब किचन के अकॉर्डिंग वध घट लग देंगे ने, गे मेरी किचन के जो टोटल 5 लगे हुए 5 नाल इन्हें खुला डुला सरिया हुआ है, तो मैं सोनू दस रही हूँ कि भी जो वाइट वाला गा तुम देख रहे होंगे ये वाइट पेपर है जो वॉलपेपर, है ना, वाइट वाला तो ब्लैक वाला आ वाला जित हूँ मैं कद्दू चक रही है, सब तो बेस्ट आ, मैं सुजैस करूँगी तुहानू जेकर ये मिलता जो लाना तो इस नाल ही लायो, है ना, ये सब तो वधिया, ना ये खराब हो ना फटे ना इनू कोई सेकता इन्ना ज़्यादा वो हों, सेकता वैसे किसी भी वह नहीं है, कोई भी ला सकते हो, सेक की कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी,
ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਧੋ ਧਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਹਜੇ ਹੋਰ ਭਰੂਗੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਰਾਊਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਗੇੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਦਰਾਂ ਚੁਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਦੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ।